हेलो स्टूडेंट्स आज का मेरा टॉपिक सब फाइलम वर्टिवरेटा के क्लासिफिकेशन पर है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ वर्टिवरेट्स तो द एनिमल दैट सराउंड्स देयर नर्व कॉर्ड ऐसे एनिमल जिनकी नर्व कॉर्ड सराउंडेड हो गई है बोनी स्ट्रक्चर से एंड इट चेंज इन द वर्टिकल कॉलम और वो वर्टिवल कॉलम में चेंज हो गई है हम यहाँ फिगर के माध्यम से देखेंगे इस तरीके से सपोज ये नर्व कॉर्ड है और इसका आगे वाला हिस्सा ब्रेन कहलाता है और इस नर्व कॉर्ड को इस तरीके से बोनी स्ट्रक्चर ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है एंड इट्स चेंज इन टू कॉलम ये अगर हम साधारण भाषा में कहें इस चेंज ये चेंज हो गई है रीढ़ की हड्डी में चेंज इन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोवाइड द प्राइमरी एक्जियल सपोर्ट और किसी भी एनिमल को उसका सपो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है एंड जो ये इसका स्कल है आगे वाला हिस्सा स्कल दैट प्रोटेक्ट ये स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को तो ऐसे एनिमल को हम वर्टिब्रेटा की कैटेगरी में रखते हैं सेकेंड करेक्टरिस्टिक फीचर्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा इज द प्रेजेंस ऑफ जॉ एंड पेयर्ड अपेंडेजेस तो पेयर्ड अपेंडेजेस और जॉ को आधार मानते हुए हम वर्टिब्रेटा को टू डिवीजन में डिवाइड करते हैं डिवीज़न एग्नेथा एंड डिवीज़न नेथो स्टोमेटा तो डिवीजन एगनेथा एगनेथा मींस ए मींस अपसेंट ने मींस जॉ तो ऐसे प्रिमिटिव जॉलेस फिश लाइक एनिमल जिनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस की मतलब विदाउट वो पेयर्ड अपेंडेजेस हों उनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस ना हो ना तो उनके पास जॉ होगा ना पेयर्ड अपेंडेजेस होगा और वो फिश लाइक -like दिखेंगे ऐसे एनिमल को हम डिवीजन एग्नेथा के अंदर रखते हैं और डिवीजन एग्नेथा को फर्दर टू क्लास में डिवाइड किया गया है क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड क्लास साइक्लोस्टोमेटा क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी उस्ट्रेको मीन्स सेल डर्मा मीन्स स्किन तो ऑस्ट्रैकोडर्मी में ऐसे एनिमल आएंगे जिनकी जो बॉडी होती है जिनकी स्किन होती है वो हार्ड सेल हार्ड जो है प्लेट्स की कवरिंग से ढकी रहेगी और ये टोटली एक्सटेंट क्लास है जो इस समय बिल्कुल इसका कोई भी एनिमल जीवित नहीं है टोटली एक्सटेंट जो है ये क्लास है नेक्स्ट क्लास इज साइक्लोस्टोमेटा तो साइक्लो द वर्ड साइक्लो मीन्स साइक्लिक स्टोमेटा मीन्स माउथ तो सर्कुलर माउथ वाले एनिमल जो है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आएंगे फर्दर अभी नेक्स्ट स्लाइड्स uh, में हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं द नेक्स्ट डिवीज़न इज नैथो इस्टोमेटा नैथोज मीन्स जौ स्टोमेटा मीन्स माउथ तो वर्टिव के नेथो डिवीज़न में ऐसे एनिमल आएंगे जिनके पास हैविंग ट्रू जॉ एंड पेयर्ड लिम्स। उनके पास लोकोमोशन के लिए चाहे फिंस हो या लिम्स हो सब पेयर्ड होंगे और जॉ की ट्रू जॉ की प्रेजेंस होगी जॉ मीन्स ये शॉकेट बोन का ये शॉकेट ये मसूड़े जिसके अंदर हमारे जो है दांत सेट होते हैं उसे हम लोग जॉ बोलते हैं तो ट्रू जॉ पाया जाएगा और पेयर्ड अपडिजिज इनको फर्दर टू सुपर क्लास में डिवाइड किया है सुपर क्लास पीसीस एंड द नेक्स्ट सुपर क्लास क्लासेस टेट्रापोडा तो पीसीस सुपर क्लास में थ्री क्लासेज आएंगी क्लास प्लेकोडरमी क्वॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस इसमें मेनली हम मछलियों का अध्ययन करते हैं फिश मीन्स फिश फिश एंड सुपर क्लास टेटरा पोडा टेट्रा मीन्स फोर पोडा मीन्स पैर जिनके पास फोर जो है लोकोमोसन के लिए चार पैर या चार अपनडिजेज हैं चार पैर हैं उनको हम सुपर क्लास टेट्रापोा में रखते हैं तो इस ये सुपर क्लास फोर क्लासेज में डिवाइडेड है क्लास एम्फीबिया रेप्टाइला एप्स एंड मेमेलिया तो नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले हमारा एगनेथा का क्लास ऑस्ट्रेको डर्मी तो स, मैंने बताया ऑस्ट्रेको मीन्स सेल एंड डर्मी मीन्स स्किन तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हैवली आर्मोर्ड हैं हेवली आर्मोर्ड का मतलब इनके पास आप देख रहे हैं इस तरह फिगर में ये बहुत हैवी हैवी प्लेट्स पाई जा रही हैं ये सब प्लेट्स जो है आपकी कैल्शियम की बनी हुई है, हैवी हैवी प्लेट्स हैं जो पाई जा रही हैं और कहते हैं कि पेलियोजोइक एरा में दीज आर वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिवरेट ये फर्स्ट वर्टिवरेट है जिसको हम लोग ऑस्ट्रेकोडर्म बोलते हैं अब आप पूछेंगे पेलियोजोइक क्या है तो जब से हमारे अर्थ की ओरिजिन हुई है हमारे अर्थ की ओरिजिन ओरिजिन से लेकर के नाउ टिल डेट तक जो है प्रेजेंट इस समय तक पूरे समय को जो है डिफरेंट डिफरेंट इरा में बांटा गया है डिफरेंट डिफरेंट हमने पार्ट में बांटा है कि जैसे पेल सबसे जो प्रिमेटिव है प्रोटियोजोइक पेलियोजोइक मीजोजोइ सीनोजोइक तो ये अलग अलग इरा हैं जिसमें हम एनिमल्स की ओरिजिन कब किस एनिमल की ओरिजिन हुई कब किस प्लांट की ओरिजिन हुई इसकी हम स्टडी करते हैं तो फर्दर मैं अपने चैनल पर ही इस पर जो है वीडियो जरूर अपलोड करूँगी द नेक्स्ट क्लास इज क्लास साइक्लो एस्टोमेटा तो हम लोगों ने यह भी एग्नेथा का दूसरा क्लास साइक्लो एस्टोमेटा है साइक्लो मींस सर्कुलर एंड माउथ मीन्स स्टोमेटा तो इसमें ऐसे एनिमल आएंगे जिनके पास सर्कुलर माउथ पाया जाता है तो ये फिगर में आपको दिख रहा है दीज आर फिश लाइक ई लाइक बॉडी शेप्ड इनकी बॉडी ई लाइक होती है सांप की जैसी एक ई लैक फिश होती है जो जो लुक लाइक्स एज ए स्नैक विदाउट स्केल इनकी बॉडी पे कोई स्केल नहीं पाए जाते हैं विदाउट जौ इनके पास जौ भी नहीं है एंड लेटरल फिन इनके पास पाई जाती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है माउथ राउंडेड इनका जो माउथ होता है राउंडेड होता है सक्टोरियल सक करने के लिए होता है ये किसी भी जो है एनिमल के साथ अटैच होकर के उससे शक करके अपने ब्लड को शक करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं गिल फाइव टू सिक्सटीन पेयर दीज आर द पैरासाइट एंड स्केवेंजर ये पैरासाइट होते हैं अदर बड़े एनिमल्स में और स्केवेंजर होते हैं स्केवेंजर का मतलब होता है कि जो सड़े गले और मरे जो एनिमल्स हैं उनकी सफाई का, का काम करते हैं और जैसे सपोज ये ओसियन में रहते हैं और ओसियन में किसी एनिमल की डेथ हो गई तो वो उस एनिमल पे फटाफट अटैक करेंगे और उस एनिमल को पूरा फीड करके ख़त्म कर देंगे सफाई का, का काम करेंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा पेट्रोमाइजॉन एंड मिक्सिन तो मिक्सिन मैं जैसे आप यहाँ पे मिक्सिन और इन दोनों एनिमल्स में हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे क्या है तो इन पेट्रोमाइजॉन देयर आर सेवन एक्सटर्नल गिल स्लिट्स इनके पास सेवन एक्सटर्नल गिल स्लिट्स होते हैं जबकि अगर हम बात करें तो मिक्सिन की तो इसके पास सिंगल एक्सटर्नल गिल गिल्सलेट्स होता है बाकी इसकी पूरी बॉडी पे ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ओपनिंग पाई जाती है जिससे हम जो स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं स्लाइम ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है और ये स्लाइम ग्लैंड से स्लाइम यानी म्यूकस बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और फर्दर जब ये किसी एनिमल को फीड कर रहे हैं तो अपनी बॉडी से म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं जिससे उनके आसपास कोई उस गंध से उनका प्रेडेटर उनके पास आता नहीं है उन पर अटैक नहीं करता है तो पेट्रोमाइजन में आप देख रहे हैं दीज आर द पिन फिन और ये कॉडल फिन है तो फिशेस के पास जो इनका मस, ये मस्कुलर ये पार्ट है मस्कुलर टेल है ये लो, लोकोमोशन में और जो है हेल्प करती है मींस ये तैरने में जो है फिश इसकी हेल्प करती है माउथ इसका ये सर्कुलर होता है बक्कल लाइक और ये इस, इस सेंसरी माउथ तो द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजॉन अगर हम पेट्रोमाइजॉन के लार्वा की बात करें तो द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजॉन आर फिल्टर फीडर फिल्टर फीडर होते हैं फ़िल्टर फीडर का मीन्स इनके पास माउथ पे सीलिया पाए जाते हैं जो फ़ूड को फिल्टर करके आ, जो है बॉटम डूलर्स होते हैं ये बॉटम में मतलब बिल्कुल समुद्र की सतह पर जाकर के फीड को लेते हैं द माउथ ऑफ़ एडल्ट इन सकर uh, लाइक -like, इनका जो एडल्ट का माउथ होता है वो सकर लाइक -like होता है एंड सराउंडेड बाय लिप्स और बहुत ही मोटे लिप्स से सराउंडेड होता है ये देखिए दीज आर द सकर लाइक एंड सराउंडेड बाय द लिप्स लिप्स से सराउंडेड होता है एंड दे हैव सेंसरी एंड अटैचमेंट फॉर द फंक्शन तो ये सेंसरी होते हैं और किसी दूसरे ये माउथ इनका जो है किसी दूसरे एनिमल से अटैचमेंट जो है करने के काम आता है अटैच जो है करने के काम आता है न्यूमरस इपिडर्मल टीथ बहुत सारे इपिडर्मल टीथ जो इपिडर्मिस से बने टीथ होंगे लाइंड द माउथ हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इसमें फ़िगर में ये डिफ़रेंट डिफरेंट देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा तो ये इस तरीके से ये इनका सॉरी सर्कुलर माउथ है और इसके पास ये डिफरेंट डिफरेंट जो है टीथ राउंड राउंडेड में जो है टीथ की प्रेजेंस है ये टीथ आपका एपिडर्मल जो है उससे ओरिजिनेट हुआ है एंड कवर अ मूव टंग लाइक स्ट्रक्चर और ये टंग लाइक स्ट्रक्चर को कवर करते हैं एडल्ट अटैच टू प्रे विद द हेल्प ऑफ दिस लिप तो ये अपने लिप की सहायता से प्रे से अटैच होते हैं और लैम्प्रे हैव सलाइवरी ग्लैंड लैम्प्रे के पास ये लैम्प्रे इनके पास सलाइवरी ग्लैंड होते हैं विच सिक्रीट जो सिक्रीट करते हैं एंटी कोगुलेंट एंटीकॉगलेंट का सिक्रीशन करते हैं और एंड दे फीड मेनली ऑन द ब्लड ऑफ प्रे तो ये निरंतर जो है जब भी किसी प्रे से ब्लड को शक करते हैं तो शक करने से पहले ये एंटी एंटीकॉगलेंट का को जो है सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट करते हैं तो एंटी क्लाकॉगलेंट का मतलब होता है क्योंकि जब कोई भी इस तरीके से ब्लड को फीड करने वाले एनिमल होंगे सपोज मच्छर भी जब हम लोग की बॉडी से ब्लड को फीड करता है तो पहले हमारी बॉडी में हिपेरिन नाम का एंटी कॉगलेंट इंसर्ट करता है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो कॉगलेट रक्त का थक्का नहीं जम पाता और आसानी से एनिमल जो है ब्लड को शक कर लेता है तो इन दोनों में ये सबसे मेन जो है डिफरेंस है एक्सटर्नल गिल स्लिट्स की ओपनिंग यहाँ पे सिंगल गिल स्लिट्स की ओपनिंग है और इसकी पूरी बॉडी में स्लाइम की जो है ओपनिंग पाई जाती है सो द नेक्स्ट डिविजन इज नैथोस्टोमेटा नेथोज मीन्स जौ स्टोमेटा मीन्स माउथ तो जौ वर्टिवरेट हैविंग ट्रू माउथ एंड पेयर्ड लिम्ब अब इनके पास पेयर्ड लिंब पाए जाएंगे एंड डिवाइड इंटू टू सुपर क्लास ये दो सुपर क्लास में जो है बटे हुए हैं पीसीस एंड फोर फूटेड टेरिस्टियल जो है एनिम नेथोस्टोमेट इन द सुपर क्लास टेट्रा पोडा तो दो क्लासों में ये जो है सुपर क्लास में डिवाइड है पीसीज़ में और फोर फुटेड टेरेस्ट्रियल एनिमल में तो सबसे पहले हम जो है पीसीज़ फिश के बारे में स्टडी करेंगे तो फिसिस का जो विथ पेयर्ड गिल एंड स्केली स्किन तो स्केली स्किन है स्किन में स्केल्स पाए जाएंगे एंड रिस्परेशन बाई गिल्स गिल्स के द्वारा रिस्परेशन होगा और पेयर्ड अपेंडेज अब इन जि, जितनी भी हम फिस की स्टडी करेंगे फिसीज में उनके पास जो अपेंडेज होंगे जो फेंस होंगी वो पेयर्ड होंगी तो फर्स्ट क्लास इज प्लैकोडर्मी पहले क्लास इसकी प्लेकोडर्मी है तो सेवरल एक्सटेंट ऑर्डर ऑफ प्रिमिटिव अर्लीस्ट जॉ फस ये भी प्रिमिटिव अर्लीस्ट पेलियो जो एक इराकी जॉ फिसेस हैं जो पूरी तरह से एक्सटेंट हो चुकी हैं गायब हो गई पृथ्वी से आ, इनका अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है विथ बोनीडेड इनके भी हम फिगर में देखेंगे विथ इनका हेड जो है वो बोनी है एंड कवर्ड बाई शील्ड तो प्लेट की जो है शील्ड से कवर्ड है मूवेबल आर्किटेक्चरल विथ ट्रंक शील्ड और इसकी जो ट्रंक शील्ड है वो अपनी जगह से थोड़ा बहुत मूव ऊपर की तरफ मूव कर सकेगी अगर हम बात करेंगे इसके अपेंडेजेस की तो हेड के जस्ट पीछे वाले अपेंडेजेस को हम लोग पैक्टोरल अपेंडेजेस बोलते हैं जस्ट बिहाइंड द हेड तो ये देखिए हेड के जस्ट पीछे दिस वन ये पैक्टोरल है एंड पेल्विक पेल्विक इज़ यूजली लोकेटेड वेंट्रल इन पोजिशन और पोस्टीरियर इन पोजिशन या तो बिल्कुल नीचे फिस के नीचे ये जो है वेंट्रल पोजिशन पर होगा जो है आपका पेल्विक फिर फिन या थोड़ा सा जो है पीछे की तरफ होगा पोस्टीरियर की तरफ अटैच होगा और जो भी होगा इन टू इन नंबर या पेयर्ड आप देख रहे हैं तो एक इस तरफ है तो एक बॉडी के जस्ट बिहाइंड होगा और ये जो भी होंगे ये पेयर्ड होंगे द नेक्स्ट क्लास इज कॉन्ड्रिक्थिस तो कॉन्ड्रॉन्स मीन्स कार्टिलेज इक्थिस मीन्स फिस तो कॉन्ड्रिक्थिस में जितनी भी हम फिश की स्टडी करते हैं वो सब कार्टिलेज की बनी होती हैं मोस्टली मेरीन ये मैरीन जो है समुद्र में पाई जाने वाली होती हैं एंड एंड द काटलेज एंडोस्केलेटन स्किन विथ प्लैवाइड स्केल इनके पास जो स्केल इनकी बॉडी पे स्केल पाया जाता है वो प्लेक्वाइड स्केल होता है फर्दर हम जब फिशेस की स्टडी बिल्कुल डिटेल में करेंगे तो हम वन बाय वन जितने भी टाइप्स के स्केल होते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे गिल गिल नॉट कवर्ड बाई ऑपरकुलम तो अक्सर आपने अगर कभी किसी फिस को देखा होगा सपोज ये कोई फिस का माउ है वो है माउथ है तो ये बोनी ऑपरकुलम से जो है इसका इस तरीके से फिस पे पाया जाता है सपोज इसकी आई है तो यहाँ पे एक ऑपरकुलम पाया जाता है जिस ऑपरकुलम से उनके जो गिल्स हैं वो ढके होते हैं बट जितनी भी हमारी कॉन्ड्रिकथिस की फिस होती हैं कार्टिलेज फिस होती हैं उस पर जो है आपका कोई भी ये ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है पैल्विक क्लैस्पर इन मेल मेल में जो है क्लैस्पर पाए जाते हैं ये देखिए क्लैस्पर मीन्स ये दिस वन क्लैस पर पाए जाते हैं जो कि जो है आपका मेटिंग में हेल्प करते हैं मेल में ये पाए जाते हैं जिससे वो अपना स्पम जो है वो ट्रांसफ़र कर सके मेटिंग में ये क्लैस पर हेल्प करते हैं तो द नेक्स्ट द नेक्स्ट क्लासेस ऑस्ट्रिक्थिस तो ऑस्ट्रियन मीन्स बोन इक्स मीन्स फिश तो हम ऑस्ट्रिक्थिस में जिन भी फिशेस का जो है अध्ययन करेंगे जिन भी फिशेस के बारे में हम पढ़ेंगे वो जो है आपके बोनी होंगी उनका जो इंडोस्केलेटन होगा वो बोन से बना होगा दीज आर फ्रेश एंड मरीन तो ऑस्ट्रिकथिस दोनों तरह की होती हैं फ्रेश वाटर भी होती हैं और मेरीन वाटर भी होती हैं एंडोस्केलेटन इज मोस्टली बोनी स्किन हैविंग वेरियस स्केल इनके पास कई तरीके के स्केल पाए जाते हैं साइक्लॉयड स्केल टिनॉइड स्केल ठीक है तो आपने इस तरीके से अगर जनरली किसी फिश को देखा होगा तो उसके पास ये सर्कुलर जो है लाइनिंग लिए हुए जो स्केल पाया जाता है इसे हम लोग साइक्लॉइड स्केल बोलते हैं इस तरीके से ये स्केल अरेंज रहते हैं मोस्टली फिश में एंड गिल्स इज़ कवर्ड बाई ऑपर कुलम और इनका जो गिल होता है वो कवर होता है ऑपर कुलम से जो कि देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस दिस वन इज़ ऑपर कुलम जब हम ऑपर कुलम को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो अंदर हमें रेड कलर से इस तरीके से गिल्स अंदर गिल्स दिखाई दे लेंगे दे हैव दु है दे हैवनी दे आर द बोनी फिशेज एंड देव स्विम ब्लैडर टू रेगुलेट द बायोन्सी इनके पास अगर हम देखेंगे ये लेटरल लाइन होती है और अंदर स्विम ब्लैडर पाया जाता है अंदर इस तरीके से एक वाइट कलर की थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग ब्लैडर बोलते हैं जिसमें हवा भरी होती है फर्दर ये जो है स्विम करने में भी हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है कुछ कुछ फिशज़ में एंड ये रिस्परेशन में भी कैसे मदद करता है इसको हम फर्दर जब ऑस्ट्रिक्थिस पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे तो इसका यहाँ पे एंड मेल विदाउट क्लेस्पर कभी भी ऑस्ट्रिक्थिस फिस में क्लेस्पर नहीं पाया जाता है इसमें जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है आ, जो है वाटर में होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है एंड टू चैम्बर्ड हर्ड होता है हर्ट जो है इनका वेंट्रल साइड में होगा एंड टू चैम्बर्ड होगा दो दो चैम्बर में बटा ठीक है एंड आई आईज आर विदाउट आईलिट्स आई के पास कोई आईलिट नहीं पाया जाएगा यानी कोई पलके नहीं पाई जाएंगी द नेक्स्ट सुपर क्लास टेट्रापोडा टेट्रापोडा हैज़ फोर पॉट्स लैंडवर्टिब्रेट है ये विथ टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइली लिम्स इस कॉर्निफाइड स्किन है स्किन uh, जो है कॉर्नियम uh, से uh, की बनी होगी एंड लंग्स इनके पास जो है लंग्स पाया जाएगा तो इसको हम एक एक करके इसका मतलब समझेंगे तो पेंटाडेक्टाइली जैसे आप अपने हैंड में देखते हैं यू हैव फोर फिंगर्स तो इस तरीके से जितने भी टेट्रापोडा में हमारे पास जो है एनिमल पाए जाते हैं उनके पास फोर लिम्स होते हैं और लिम्स के बाद भी जो इनका पंजा होता है वो पेंटाडेक्टाइलिक फॉर्म में इनके लिम्स होते हैं कॉर्निफाइड स्किन अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉर्निफाइड स्किन का हमारे जो चार चार पैरों वाले जानवर होते हैं उनकी थॉर्न जो उनकी सींग होती है वो पूरी तरीके से कॉर्निफाइड होती है और ये इनमें रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स की लंग्स से होता है ये पूरी तरह से टेरेस जो है टेरेस्टियल हैबिटेट को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला क्लास हम पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया तो क्लास एम्फीबिया एम्फी मीन्स बोथ एम्फी मीन्स बोथ बायोज मीन्स लाइफ ऐसे एनिमल जो दोनों तरह की लाइफ यानी दोनों दोनों तरह का जो है लाइफ जी सकते हैं इन एक्वेटिक फॉर्म एंड जो है टेरेस्ट्रियल फॉर्म दोनों जगह जिंदा रह सकते हैं एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल में भी लार्वल स्टेज मोस्टली एक्वेटिक अगर हम बात करें तो इनकी जो लार्वल स्टेज होती है वो मोस्टली एक्वेटिक होती है पानी में रहते हैं ब्रीथेड बाय गिल्स गिल्स से ब्रीथिंग होती है इनकी एंड एडल्ट आर टेरेस्ट्रियल एंड रिस्पायर थ्रू लंग्स और एडल्ट इनके टेरेस्ट्रियल होते हैं लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं ये स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं ये इन इनके अंदर जो है एक एडिशनल फीचर है टू अडॉप्ट द टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ जिसकी वजह से इन्होंने टेरेस्टियल मोड ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया है तो विदाउट स्केल्स इनकी बॉडी पे स्केल नहीं पाए जाते हैं अगेन द मोस्ट करेक्ट्रिस्टिक फीचर्स हर्ट इज थ्री चैम्बर्ड थ्री चैम्बर्ड हर्ट होते हैं टू पेयर लेंस होते हैं और बॉडी इनकी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है ये न ये एनिमल्स में टेल में भी प्रेजेंट ऐसे एनिमल्स में सपोज़ टेल हो भी सकती है किसी किसी एनिमल में किसी किसी एनिमल में टेल नहीं होती है एंड रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स लंग एंड स्किन रेस्पिरेशन तीनों तरीके के ऑर्गन से हो सकता है गिल्स से लंग्स से गिल्स से लंग्स से एंड स्किन से तीनों तरीके से रेस्पिरेशन होता है ये एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं मीन्स पॉइक्लोथर्मिक जो कि पॉइक्लोथर्मिक का मतलब या कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ जो है बदलता रहता है जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बदलेगा वैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर बदलेगा सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं और आई में आई विथ आईलेट्स आई में आईलेट पाई जाती हैं अदर अनदर इनका एक और करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ऐसे एनिमल में क्लोएका पाया जाता है तो क्लोयका ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है फीचर है इसको मैं बता देती हूँ क्लोएका का मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब वो प्लेस जहाँ से आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मतलब रिप्रोडक्टिव स्पर्म और एग का रिलीज़ होगा और सेम यूनरी यूनरी जो है यूरिन के डिपोजिशन के लिए और आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव मटेरियल के डिपोजिशन के लिए स्पर्म के और जो आपका एग है दोनों के डिपोजिशन के लिए और के का वे उनका जो रास्ता होगा वो एक ही होगा ठीक है तो उसको हम लो लोग क्लोइका बोलते हैं द नेक्स्ट क्लास इज क्लास रेप्टीलिया तो क्लास रेप्टीलिया हम देखेंगे टोटली टेरेस्ट्रियल ये पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर चुका है टेट्रापॉड्स ये टेट्रापॉड्स हैं इनके पास ठीक है फोर आ, ये देखिए ये वन टू थ्री फोर हम इस फिगर में देख रहे हैं स्किन ड्राई इनकी स्किन ड्राई होती है कवर्ड बाई एक्टोडर्मन एक्टोडर्मल हॉर्नी स्केल तो किसी किसी आ, अगर हम रेप्टाइला के कुछ एनिमल्स में देखें तो इनकी स्किन कवर्ड होती है एक्टोडर्मल हॉर्नी स्केल से हर्ट कम्प्लीटली फोर इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हर्ट में जो है चार चैम्बर पाए जाते हैं बट ये इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड होते हैं अगेन कोल्ड ब्लडेड एनिमल ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं रिस्परेशन बाई लंग्स अब यहाँ पर ये टोटली टेरेस्ट्रियल लाइफ को अडोप्ट कर चुके होते हैं तो इनमें जो है जो रिस्परेशन होगा लंग्स से होगा तो यहाँ पर हेमीड इसके एग्जाम्पल हैं हेमीडेक्टाइलस जो 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 आपकी कॉमन लिजर्ड होती है एंड यूरोस्ट्रिक्स यूरो स्पाइनी टेल्ड एंड नाजा स्नैक जो है पाए जाते हैं स्नैक अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ़ लाइफ की तो इनमें जो है आप देखेंगे कि बहुत ही कम वाटर का जो है कंजप्शन करते हैं ठीक तो नेक्स्ट क्लासेज तो फिर हम फर्दर एन अदर क्लासेज़ में रेप्टाइला मेमेलिया इन सब क्लास को बहुत डिटेल में इनके करेक्टर्स की स्टडी करेंगे अभी हम जस्ट वाई एक थ्रू क्लासिफिकेशन में ये जान रहे हैं कि कौन कौन सी क्लासेज़ हैं कैसे कैसे हमने फाइलम बर्टिवेटा को डिवाइड किया है द नेक्स्ट क्लास थर्ड इज़ एप्स टिपिकली फ्लाइंग अब हमारा जो एनिमल है वो टेरेस्ट्रियल से एरियल मोड ऑफ़ एरियल मोड को एडॉप्ट uh, कर रहा है मीन्स फ्लाइंग अब ये फ्लाई fly, फ्लाइंग uh, की तरफ बढ़ रहे हैं तो टिपिकली फ्लाइंग वर्टिब्रेड कवर्ड विथ फैदर तो इनकी जो स्किन है ये देख रहे हैं आप फिर स्किन फैदर से कवर्ड होती है फैदर मीन्स पंख फोर लिम्स मॉडिफाइड इनके जो अभी तक टेट्रापॉड है ये बट फोर फोर अपेंडेजेस होने चाहिए बट फोर लिम्ब आगे के जो दो पैर थे आगे के जो दो लिम्ब्स थे मॉडिफाइड इनटू विंग्स जो पंख में मॉडिफाइड हो गए हैं Uh, जो है विंग्स में मॉडिफाइड हो गए हैं नो टीथ कोई टीथ नहीं प्रेजेंट होती इनके बीक्स में इनके पास ये चोंच पाई जाती है चोंच में कोई भी टीथ नहीं प्रेजेंट होता है अगेन हार्ट इज़ फोर चैम्बर्ड हार्ट फोर चैम्बर का होता है इनमें एक बहुत ही बड़ा एडोप्टेसन एरियल मोड के लिए पाया जाता है दैट इज़ द बोन इज़ नोमैटिक पी एन ई यू एम ए टी आई सी द बोन इज़ नोमैटिक टाइप नोमैटिक का मतलब होता है कि इनकी बोन में एयर भरी होती है जिसकी वजह से इनकी बोन हल्की हो जाती हैं एयर भर जाती है और ये इनको फ्लाइट करने में इनकी हेल्प करती हैं अगेन एक और करेक्ट्रिस्टिक फीचर्स है जो फीमेल आपके बर्ड्स होती हैं उसमें जनरली केवल एक ही ओवरी फंक्शन फंक्शन करती है दूसरी ओवी ओवरी फंक्शन लेस हो जाती है जिसकी वजह से इनका वेट रिड्यूस हो जाता है और ये फ्लाइट मोड को एडॉप्ट करते हैं तो ये बॉर्न ब्लडेड एनिमल होते हैं वार्म वार्म ब्लडेड एनिमल होम्योथर्मिक जिसका मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जैसे ह्यूमन भी होम्योथर्मिक है हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं बदलता है जो एक निश्चित है वही इन्वामेंट uh, का टेम्परेचर कुछ भी रहे हमारी बॉडी का टेम्परेचर नेवर चेंज कभी चेंज नहीं होता है तो इसमें मैंने एग्जाम्पल में कोलम्बिया पिजन गैलस गैलस मीन्स फाउल जो जनरली मुर्गा पाया जाता है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्स द लास्ट फोर्थ क्लास ऑफ जो है सब फाइलम वर्टिवेटा इज ममेलिया तो मेमेलिया इसका तो मेमेलिया मैमा मीन्स मैमीन्स ब्रेस्ट एंड इट बॉडी कवर्ड बाई हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर इज मेमेलिया इज द प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट मैमा द प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट एंड uh, uh, जो है मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड जिससे फीमेल अपने बच्चे को फीड कराती हैं ब्लड फीडिंग कराती हैं मैमा ब्रेस्ट एंड बॉडी कवर्ड बाय हेयर स्किन ग्लैंडुलर स्किन पे जो है ग्लैंड पाए जाते हैं सबेसियस ग्लैंड जैसे आपने देखा है जो पसीना जो है हमारा जो है स्वेटिंग कराते हैं फीमेल विथ मेमोरी ग्लैंड विथ सीक्रेट मिल्क फॉर सकलिंग अपने जो भी सकलिंग है उनके लिए मिल्क सीक्रेट करती हैं हार्ट अगेन फोर चैम्बर यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था आई एम सॉरी हार्ट फोर चैम्बर्ड वार्म ब्लडेड एनिमल अगेन दीज आर द होम्योथर्मिक वार्म ब्लडेड एनिमल जिन जिनका बॉडी टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता है दीज एनिमल मल आर एयर ब्रीदिंग एनिमल वर्टिब्रेट तो इसका एग्जाम्पल है मैक्रोपस कंगारू एक, एकेडिना एंड uh, आंट इटर स्पाइनी आंट ईटर बोलते हैं और होमोसेपियंस ह्यूमन तो फर्दर uh, होप सो आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा फर्दर अब हम वन बाई वन सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा यू यूरोडेटा एक एक की डिटेल्ड स्टडी डिटेल एनिमल की स्टडी करेंगे अप टू मेमेलिया तक था। थैंक था। यू वेरी मच